इन्हीं लोगों ने ले लेना रुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना रुपट्टा मेरा। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों आज हम हैं सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज ब्लॉक में। ये बैनर आप देख रहे हैं RRS फिल्म इंडस्ट्री प्रेजेंट्स महापागल आशिक, डायरेक्टर मनमोहन छलिया। मामला क्या पूरा आपको बताएंगे। तो अवधि को बढ़ाने के लिए संत तुलसीदास ने एक महाग्रंथ लिखा रामचरितमानस। आपको दिखाएंगे कि ये जो टीम बैठी है इसी अवधि को एक फिर स्थापित करने का काम ये पूरी टीम कर रही है। एक फिल्म बन रही है, वो फिल्म आप देख सकते हैं महापागल आशिक। ये फिल्म पूरी तरह अवधि है, जो अवधि आप देखेंगे कहीं ना कहीं भोजपुरी अपने चरम पर है, बढ़ती जा रही है और अवधि को दबाया जा रहा है। नाम हम आपका जानना चाहेंगे। मनमोहन छलिया। ये मनमोहन छलिया, मनमोहन छलिया देखा तो मुझे लगा कि कोई बिहार का आदमी होगा, लेकिन ये इसी धरातल धनपतगंज के मिट्टी के हैं। आप से मैं ये जानना चाहूंगा कि महापागल आशिक क्या सोचा है, कैसे ये टाइटल दिमाग में आया कि ये महापागल आशिक ही बनाया जाए, और इसका जो स्क्रिप्ट है जो आप समाज को देना चाह रहे हैं, समाज को क्या दे रहे हैं इस पर? देखिए सर, महापागल आशिक, अभी आपने कहा कि महापागल आशिक, तो महापागल आशिक में आज तमाम घटनाएं हो रही हैं। कहीं भी आप देख लीजिए, लड़कियों का, लड़कों का, तमाम तरह के हत्या मर्डर आए दिन बहुत सारे होते रहते हैं। तो महापागल आशिक में कोई प्यार करता है किसी को, कोई ठुकराता है, तो कोई पागल बन के किसी का मर्डर कर देता है, कोई जेल चला जाता है, और कोई जबरदस्ती शादी कर लेता है, कोई बहुत सारे बच्चियों का रेप भी वगैरह कर देता है। तो कहने का मतलब चारों ओर अगर आप देखिए किसी न किसी तरीके से, तो एक सनक सी सवार हो गई है। महापागल आशिक के जरिए समाज को क्या दिशा देना चाह रहे हैं? दिशा सर हम यही देना चाह रहे हैं कि जो चीजें घटनाएं आज हो रही हैं उसको तो हम दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ दायित्व तो होता है अपने माँ बाप का कि लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है या मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तो ये फिल्म करने का मतलब मेरा यही है कि तमाम घटनाओं को देखते हुए जो सारी सोशल मीडिया है, न्यूज चैनल्स हैं, तो वो दिखाते रहते तो लोगों को टीवी में देखने के बाद वो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, वो अपने रियल जिंदगी में नहीं सोचते हैं कि ये सही है या गलत है। तो हमारा दिखाने का मतलब यही है कि उसको देखें और इग्नोर करें, अपने बच्चों को भी ध्यान में रखें कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। ऐसा नहीं कि उसकी गलतियां कोई बाहर का देख रहा हो, वो बता रहा है मैंने आपके बेटे को ऐसा देखा यार और वो ऐसा है। कुछ तड़का भी है इसमें? देखिए ये सर अवधि फिल्म है और पारिवारिक फिल्म है, तो हम इसको बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य जो है आज की जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को फिल्म के जरिए कितना कंट्रोल किया जा सकता है, किसके अंदर कितना बदलाव हो सकता है, ये तो फिल्म आने के बाद पता चलेगा। लोग आज का जो रुझान है लोगों का वो तड़का ज्यादा, आप देख रहे हैं सीधा चले जाइए भोजपुरी इंडस्ट्री में, वहां फिल्में कम तड़का ज्यादा है। जी सर, यहाँ उस तड़के का कुछ कॉम्बिनेशन है। देखिए सर, हम बॉलीवुड वालों की बात करें तो वो तड़का लगाकर फिल्म की कमाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और भोजपुरी की देखें तो भोजपुरी वाले भी तड़का लगाकर पूरी फिल्म को अश्लीलता बना दिए हैं। हम अवधि फिल्म बना रहे हैं, इसमें एक भी % अश्लीलता नहीं है। राम की धरती है ये, राम रामचरित जैसे पवित्र ग्रंथ से अवधि का नाम है, यही तो सर, और उसी अवधि को आप ला रहे हैं इस समाज को। और उसमें सर यही विडंबना है कि अपने अवधि में श्री राम जी का अयोध्या में जन्म हुआ, बहुत पावन धरती है, और यहाँ पे ही इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, लोगों को जानने के लिए, समझने के लिए, हम अगर वही पता लगा कि तड़कता झड़कता परोसेंगे तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के समाज को क्या मिलेगा। हमें तो समाज को सुधारने की ये बड़ी चीज है। मैं कहना चाहूंगा कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो युवा हैं, युवतियां हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि प्यार में अक्सर पड़ जाते हैं, और उसी प्यार में कहीं ना कहीं ये पागल से महापागल वाला जो टाइटल है वो अपनाते हैं। हम यहाँ के जो हीरो हैं उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। शुभ नाम हम आपका जानना चाहेंगे। जी मैं भरतराज, ग्राम पोस्ट सुल्तानपुर से हूँ। सुल्तानपुर से, कैसा लगता है कि जब आप कोई एल्बम छोड़कर पहली फिल्म में जा रहे हो तो लगता है कि हम किसी उड़ान भर रहे हैं, और उससे क्या उम्मीदें हैं आपको? सर इस फिल्म को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित है, और मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा सर का अपने, जो कि इस काबिल समझा और मुझे लॉन्च करने का सोचा। मैं सर का फिर से पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा और बहुत ही उत्साहित हूँ कि अवधि की पहली फिल्म है। जी सर, और लोग उत्साहित भी होंगे कि अवधि की फिल्म आई है, अवध क्षेत्र की है, अवध के कलाकार हैं, अवध की मिट्टी में बनी है, तो हम इसको जरूर देखें। लेकिन
रोल कैसा है आपका? सर मैं एज ए एक्टर मेन लीड में हूँ, हीरो जिसको बोलते हैं, आप समझ लिए? बिल्कुल जी। बड़ी जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल सर, जिम्मेदारी है, उसको निभाना चाहेंगे पूरा। अच्छा, अभी तक कोई फिल्म आपने की है? नहीं सर, पहली फिल्म है हमारी। अच्छा, जो गाना, इसमें कितने गाने होंगे आपकी फिल्म में? गाना सर मैक्सिमम इसमें 3 गाने रखे गए हैं, क्योंकि इसमें फाइट बहुत ज्यादा है और मार धाड़ एक्शन से भरपूर। आपको जो बॉलीवुड में देखने को मिलती है, साउथ में देखने को मिलती है, और आपके देखते हैं ठूसे में 4 कारें गिरा रहे हैं, वो आपको अवध में भी देखने को मिलेंगी। कितनी कारें गिरने वाली है सर? मैक्सिमम 3-4 होंगी। 3-4 होंगी। कितने विलन है इसमें? विलन की सर हमारी कोई सीमा नहीं, लेकिन जो मेन जो आ गया ले धड़ाक है, कम से कम 3-4 तो वही है अपने जो मेन। क्या बात है। अच्छा, गाने के साथ में कौन कौन लोग गाए हैं इसमें? गायक कौन है? सर मैं एक तो मैं ही गाया हूँ, जो कि आप एज ए एक्टर एज ए गायक। गाना कौन लिख रहा? सर गाना सर के माध्यम से ही, सर के माध्यम से गा आप रहे हैं। जी सर। मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों तक गाने की एक बोल मुखड़ा उनके कानों तक पहुंचे, और वो गूंजता रहेगा कानों में जब तक आपकी फिल्म नहीं आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। गाने के जो बोल है आपको मुखड़ा सुनाना चाहूंगा मैं। कहता है कि मिले के मन बा प्यासी अखियां, मिले के मन बा प्यासी अखियां, दिलवा के कैसे मनैबू हो, धड़के धक धक दिल के धड़कन, धड़के धक धक दिल के धड़कन, बोला करे जा कबो बुहो, बोला करे जा कबो बुहो। क्या बात है। कभी ऐसी फीलिंग दिल में भी आई है क्या? सर कोशिश नहीं की। अच्छा, कोशिश नहीं की। शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम मधु है। अच्छा, कभी इसके पहले एल्बम आपने किया है? कोई फिल्म नहीं, फिल्म नहीं किया है, एल्बम में किया। कैसा लग रहा, पहली बार आप धरातल पर आ रहे हैं फिल्म जगत में? बॉलीवुड टॉलीवुड तमाम बुड हैं, इस कौन सा बुड ये होगा? ये अवधि बुड है। अवधि बुड है। आप अगर सारे बुडों को आपने जान लिया है, एक नया बुड आपके अवध में आया है, वो अवधि बुड आपसे आज रजिस्टर्ड कर लीजिए। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि वीडियो में अवधि बुड के नाम से भी ढूंढना शुरू कर दीजिए, जल्द ही आपको अवधि बुड भी मिलेगा। कैसा लग रहा है आपको? सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें यही कि सबका प्यार दुलार मिलता रहे, तो बहुत ही आगे ये मूवी ले जाएंगे हम लोग। अच्छा, एक्टिंग कितना, जैसे परफॉर्मेंस आपका अब तक कैसा रहा? कुछ जैसे जनता का कितना प्यार मिला? सर बहुत प्यार मिला जनता का। अभी हमने एक वीडियो बनाया है जिसका टाइटल है नैकी से ज्यादा हाइपरन की याद वाले। क्या बात है, तब तो कई लोग बेचारे डिस्टर्ब होंगे सर जी। ये भी बड़ा काम है कि नैकी से ज्यादा पूरन की याद हवेली, कई लोगों के शादी के बाद अक्सर पूरन की याद आती है। इससे पहले कितने एल्बम आपने गाए? एल्बम तो नहीं सर, बस एक दो गाना गाए हैं हम, और अभी मेरा ये पहला मूवी है जिसमें मूवी में ये गाना गा रहे हैं। उम्मीदें तो बड़ी होंगी। उम्मीदें तो बहुत है, और खुशी भी बहुत है कि दर्शकों को अच्छा भी लगेगा और प्यार दुलार हमेशा मिलता रहेगा। गाने का कोई ऐसा मुखड़ा जो दर्शकों को भा जाए? गाने का मुखड़ा जो अभी सर ने सुनाया है वो मुखड़ा ही है। दर्शकों तक आपकी भी बाणी जाए। मिले के मन बा प्यासी अखियां, मिले के मन बा प्यासी अखियां, दिलवा के कैसे मनैबा हो, धड़के धक धक दिल के धड़कन, धड़के धक धक दिल के धड़कन, बोला करे जा कब आइबा हो, बोला करे जा कब आइबा हो। ये देखिए, मोटे तगड़े विलन है, हीरो को बहुत संभलना पड़ेगा, क्योंकि हीरो देख रहे सिंगल बॉडी के हैं, लेकिन हर फिल्मों में सिंगल बॉडी के हीरो क्या करते हैं, कई जेसीबियां तोड़ते हैं, कई ट्रकें तोड़ देते हैं, आपका क्या इरादा है? जय हिंद, जय अवध, जय अवधि। क्या बात है। मैं सागर बाबा श्रीधाम अयोध्या से, मतलब सुल्तानपुर के लोग ही नहीं है इसमें, उस अवध क्षेत्र उस अवध से भी है जहां से अवधि का जन्म माना जाता है। जी सर, और हम विशेष आभार प्रकट करेंगे डायरेक्टर मनमोहन छलिया सर का, कि जिन्होंने हम लोगों को आज आमंत्रित किया है और अपनी मिट्टी की चीज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया के सामने परोसने के काम कर रहे हैं। बिल्कुल बधाई के पात्र आप हैं, और जैसा कि मेरा निगेटिव किरदार ही है इसमें, तो मैं विलेन का काम ही करूंगा। अच्छा, निगेटिव किरदार है। अभी तक कितने फिल्मों में निगेटिव किरदार निभाया है?
सर वेब सीरीज तो हमने कई भी की है और मनमोहन छलिया जी के डायरेक्शन में हमने एक मूवी की थी जख्मी टाइगर, जो अब तक रिलीज नहीं हुई है। नहीं हुई लेकिन जख्मी हो गई क्या? अब वो तो प्रोडक्शन हाउस वाले जाने, हम लोगों को क्या पता है, हम लोग एक्टर हैं, काम करेंगे चले जाएंगे। क्या बात, अच्छा कैसा रोल है इसमें, हीरो को पटकना है या हीरोइन को उठा लेना है? हीरो को भी पटकना है, हीरोइन को भी उठाना है, जो भी स्क्रिप्ट होगी स्क्रिप्ट के हिसाब से हम काम करेंगे। वो तो डायरेक्टर बताएंगे क्या करना हमको है, जैसा भी वो कहेंगे हम वैसा करेंगे। अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस सर बढ़िया रहा है। और क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें सर तो ऐसी हैं इस मूवी से, इस फिल्म से, कि हम लोग क्या कहें, कोई शब्द नहीं है। हो सकता है कि हम लोग करियर, जितने भी कलाकार इसमें लग रहे हैं, सभी का करियर आसमान पे उछाल मार जाए। ये भाई साहब पगड़ी लगाए बैठे हैं, आपका क्या करेक्टर है, क्योंकि अभी से आप विलन दिख रहे हैं जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डायरेक्टर सर को और यहाँ पर मीडिया लोगों को और हमारे साथी कलाकार जो आए हैं, सबका धन्यवाद है। और जो अवधि पिक्चर हमारी बन रही है उसके लिए मैं इतना उत्साहित हूँ लेकर के। और हमारा उसमें करेक्टर यह है, जो हीरोइन होती है, मेन हीरोइन किरदार में है, वो मेरी बेटी रहेगी जी, बेटी रहेगी। तो कैसे कैसे क्या आप क्या चाहते हैं इस फिल्म से, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें हमारी तो यही है सर, मतलब जैसे हम अपने बच्चों को छूट दे देते हैं, अपने बच्चे जाते हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग अपने बच्चे को छूट दें या ना दें, कि नजर रखें कि ना रखें? रखें, नजर रखें, इसे तो दर्शाया गया है ना। वाह क्या बात है कि इसी को दर्शाया गया है कि हर माता पिता का कर्तव्य है, हर माता पिता का दायित्व है कि अपने बच्चों पर नजर रखे। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यही बात है। जानना चाहूंगा कि आपका शुभ नाम और आपका क्या करेक्टर है इस फिल्म में। सबसे पहले तो हम अपनी जनता को प्रणाम करते हैं, मीडिया बंधुओं को प्रणाम करते हैं। और जैसे कि मैं आरके फौजी हूं, आर्मी से रिटायर्ड हूं। क्या बात है, मतलब ये कह सकते हैं कि सेना पे लड़ने के बाद यहाँ अवधि के लिए लड़ रहे हैं जी। और ये बड़ी बड़ी बेहतरीन बात है कि अपनी मातृभाषा के लिए कोई इस तरीके से वहां लड़ने के बाद यहाँ लड़ने के लिए खड़ा है। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं अपनी मातृभाषा अवधि को प्रमोट कर रहा हूँ। हिंदी में अवधि और ब्रज भाषा दो होती है, हम अवधि क्षेत्र से हैं। और हम अपने मनमोहन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जब इन्होंने मुझे थोड़ी सी कहानी बताई और मुझे लगा कि यस ये करना चाहिए। और मैं वैसे तो बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम किया हुआ हूँ, छोटा मोटा। कभी कभी वहां आपके यहाँ डांस प्रोग्राम हुआ करता है? यस यस, पाकीजा में, पाकीजा का मैंने डांस इन्हीं लोगों ने ले लेना। क्या बात है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम अपने दर्शकों तक आकर डांस ले जाना चाहते हैं, प्लीज। अरे क्या बात है, हम तो सोचे कि इस उम्र में वो लोग देखेंगे जो अभी युवा है और कहते मुझे नहीं आता, वो सीखेंगे आपसे। तो कितनी उम्र होगी सर आपकी? सर मेरी प्लस 65 प्लस है। 65 प्लस है, पाकीजा का इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, क्या बात है, यही तो शायद। और मैं आकाशवाणी श्रीनगर में थोड़ा सा कई प्रोग्राम बनाए वहां से, और मैं सर को चाहता हूं कि ये भी बहुत सुपर हिट हो। और मैं किरदार बता दूं, मैं हीरो के फादर के रोल में हूं, बहुत थोड़ा सा मेरा रोल है, लेकिन रोल में मैं बच्चे को, हर गार्जियन अपने बच्चे को समझाता है, मैं समझाता हूं, और हीरो समझता है कि मेरा फादर ही मुझे गलत देख रहा है। और नतीजा क्या होता है, मेन विलेन तो लड़की के पापा हैं और वो मुझे कुछ करते हैं, और जनता के सामने विलेन के रूप में मैं परोसा जाता हूँ, मेरा मर्डर हो जाता है। और बाद में जब लोगों को पता चलता है कि मैं करेक्टर उन्होंने तू था और असली विलेन तो कोई और है, तब सस्पेंस खुलता है ये अवधि। बाकी पूरी फिल्म लोग सस्पेंस में रहते हैं कि आखिर विलन कौन है, विलन कौन है। आप देखिए, आप आखिरी ये फिल्म जब आए तो लास्ट के आखिरी सेकंड तक आपको देखना पड़ेगा कि विलन कौन है। आप लोगों का एंटरटेन करेंगे। इन्हीं लोगों ने ले लेना रुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना रुपट्टा मेरा। क्या बात है, कैसा ये, मैं आपको बता दूं, फिल्म अभी शुरू नहीं है, मैंने पूरी फिल्म आपको दे दी है, कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा।
साथियों मेरी शुभकामनाएं हैं इन लोगों के पास, क्योंकि ये अवध मिट्टी की सुगंध को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी भी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, क्योंकि ये अवध की खुशबू पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में लहरे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।